गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ अजय गुंडावार, केमिस्ट्री फैकल्टी. टुडे वी डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2. इन लास्ट लेक्चर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट SN1 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, एंड टुडे वी डिस्कस द डिफरेंसेस. ओके, इट इज यूजफुल फॉर बोर्ड, नीट एंड JEE. ओके, सो इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां SN1 बोलते ही वन क्या इंडिकेट करेगा, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रहेगा. SN1 रिएक्शन इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एंड हियर इन SN2 टू इंडिकेट्स इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन. इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन. नाउ इन SN1 रिएक्शन ऑर्डर इज इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड SN2 इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. क्या है? सेकंड ऑर्डर रेट रिएक्शन. थर्ड, इन SN1 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन रिएक्टेंट. ओके, बट इन SN2 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट, दैट इज सबस्ट्रेट. ओके, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. एंड SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स. कितने स्टेप्स? टू स्टेप्स. एंड SN2 रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप. ओके, SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स, बट इन SN2 रिएक्शन इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप. इन SN1 रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप वी गेट कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट. बट इन SN2 रिएक्शन देर इज नो इंटरमीडिएट, इट इज ओनली कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. इट इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ओके, व्हेन कार्बोकैटायन इज फॉर्म इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड एंड बैक साइड. इट अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड. हियर इन SN2 रिएक्शन इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ओनली. इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड अटैक. ओके, नेक्स्ट, when it attacks from front side as well as back side we'll get retention product plus inversion product. We get retention as well as inversion. But in SN2 reaction when it attacks from back side we get inversion, and the inversion product is called as Walden inversion product. Okay, यहां जो मिल रहा है retention and inversion, इसको क्या बोलते हैं? racemic mixture और racemization. Okay, यहां only Walden inversion बोले थे. Okay, next, SN1 रिएक्शन इज फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. इसमें पोलर सॉल्वेंट्स. एंड SN2 इज फेवरेबल इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके देखो अभी और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। SN1 रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। ओके इसमें SN1 स्टैंड्स फॉर इट इज यूनिमोलिकुलर, सो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन SN2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर। SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड SN2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट हियर रिएक्टेंट एज वेल एज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। SN1 इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स एंड SN2 इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। या और भी बोल सकते हैं, टू स्टेप्स बोलते ही टू ट्रांजिशन स्टेट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट। और यहां सिंगल स्टेप में सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट, इन SN1 रिएक्शन वी गेट कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, बट इन SN2 रिएक्शन वी गेट ओनली ट्रांजिशन स्टेट। इन SN1 इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, बट इन SN2 इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ओनली। When it attacks from front side, we get retention, and when attacks from back side, we get inversion. But in here, we get inversion only, and it is called as Walden inversion. Formation of retention and inversion called as racemic mixture or racemization. Okay, next, it is favorable in polar solvent, and it is favorable in non-polar solvents. Take a screenshot. देखो बेटा, 10th पॉइंट रहेगा, इसमें मेनली जो सबस्ट्रेट रहेगा टर्शियरी सबस्ट्रेट इज फेवरेबल। ओके मेनली टर्शियरी, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी भी होता है, बट रिएक्टिविटी देखा गया है तो SN1 में कौन सा फेवरेबल रहेगा? टर्शियरी। SN2 में प्राइमरी सबस्ट्रेट इज फेवरेबल, प्राइमरी सबस्ट्रेट। एंड SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वीक न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल। सो न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा यहां इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इट इज वीक वाला। नेक्स्ट, इसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल। ओके ये रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन SN1 एंड SN2। देखो बच्चों, यहां फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। ओके ये सब के सब तो SN1 रिएक्शन में जाने वाले हैं, बट क्या बोल रहा है? मोस्ट रेडिली। ओके सो ऑप्शन सर देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। थोड़ा सोचो यहां, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडाइड में किसका बॉन्ड सबसे लेंथ रहेगा, वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। तो आपने को पता है लेफ्ट टू राइट में मूव्स फ्रॉम हियर बॉन्ड साइज इज इंक्रीजेस एंड इफ बॉन्ड साइज इज इंक्रीजेस देन इट इज वीक बॉन्ड। सो मोस्ट रेडली वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सेकंड देखो इसमें, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन, फास्टर SN1 रिएक्शन, इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखो आप, अगर आपको पता नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले यहां से हैलोजन हटा दो, हैलोजन हटाते ही क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन मिलेगा। यहां भी ओके, यहां और यहां। अभी इसमें देख लो ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेट है, ये प्राइमरी कार्बोकेट है,
ये टर्शियरी कार्बोनेट है। सो अपने को पता है SN1 रिएक्शन फास्टर किसमें होता है, टर्शियरी में। सो इसका आंसर क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज फास्टर वन। ओके नेक्स्ट थर्ड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म बट नॉट SN1 मैकेनिज्म। ओके सो SN2 मैकेनिज्म में पूछ रहा है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों इनर्ट है। ओके सो यहां ऑप्शन देखो, इनस्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, इनसॉल्युबिलिटी एंड स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें इनस्टेबिलिटी नहीं हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन भी नहीं हो सकता है, इनसॉल्युबिलिटी भी नहीं हो सकता है, तो रीजन क्या हो सकता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके क्यों टर्शियरी बोलते हैं, यहां मिथाइल ग्रुप्स आर मिथाइल ग्रुप्स नंबर इज इंक्रीजेस, सो व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ओनली बट इन बिगर कंपाउंड स्टीरिक हिंड्रेंस इज टेक्स प्लेस। ड्यू टू दिस रीजन SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्राइमरी एंड टर्शियरी इज इनर्ट टू SN2 मैकेनिज्म। टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो बेटा नेक्स्ट वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। देखो क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ो, पहले किसका रिएक्टिविटी पूछ रहा है, SN1 एंड ऑप्शन सर Me CH2 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 Br एंड B Me डबल बॉन्ड CH Br Me CH2 CH Me Br। सो इसमें पहले क्या करना है अपने को, याद रखो पहले हैलोजन को एलिमिनेट कर दो, यहां से एलिमिनेट कर लिए, हैलोजन को एलिमिनेट करते हैं। देखो फर्स्ट वन ए लिख रहा हूं यहां Me, यहां ये आ गया, यहां क्या रहेगा CH2। ओके नेक्स्ट बी ऑप्शन में देखो Me मिथाइल और यहां ये वाला। ओके नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखो Me यहां CH3 लिख लो। ओके अभी इसमें यहां ये अल्फा कार्बन हो रहा है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है यहां, दो। सो ये बना है दो अल्फा हाइड्रोजन एटम, टू अल्फा हाइड्रोजन। ओके अभी इसमें देखो ये कार्बोकैटायन है, सो यहां ये अल्फा बना है, ये अल्फा बना है, तो यहां तीन और यहां दो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फाइव अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखो यहां ये तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, बट याद रखो ये अलाइलिक कार्बोकैटायन, कौन सा, सेकेंडरी अलाइलिक कार्बोकैटायन। सो इसमें रेजोनेंस बनने की चांसेस है, जब रेजोनेंस बनेगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 में, सो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा, सेकेंडरी का, सो बी ऑप्शन। अभी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ये थर्ड ऑप्शन में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका, तो ये सी देन, सो अपना आंसर किसमें, बी सी ए फर्स्ट ऑप्शन में। तो देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, ऑर्डर क्या है, बी इज ग्रेटर देन विद सी, सी इज ग्रेटर देन विद ए। क्यों, यहां अलैलिक कार्बोकैटायन है और यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों में देख के आंसर डिसाइड करो, ये इसका सॉल्यूशन का तरीका। ओके नेक्स्ट फिफ्थ वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। देखो यहां SN2 रिएक्टिविटी क्या पूछा है, डिक्रीजिंग, तो अभी देखो ऑप्शन RCH2X प्राइमरी, R3C टर्शियरी, R2CH सेकेंडरी, बी ऑप्शन में देखो RCH2X ओके प्राइमरी R2CH सेकेंडरी R3C टर्शियरी, थर्ड ऑप्शन
यहां टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यहां सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। ओके, अपने को पता है SN2 में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, प्राइमरी में, प्राइमरी इज ग्रेटर देन विद सेकेंडरी इज ग्रेटर देन विद टर्शियरी। बट क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, ओके, सो तो लेफ्ट टू राइट देखो, RCH2X प्राइमरी, सो सबसे ज्यादा है, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शियरी, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, बी ऑप्शन। सो क्वेश्चन एक से दो बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में ही आंसर निकालो। तो देखो, इसमें देखो, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ये SN1 के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये SN2 के लिए, और क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहां से ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होते गया है। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।